Trail 5 इस्लामाबाद F62 सेक्टर और बेसिकली मैं जा रहा हूँ हाइक पर और मेरे तीन दोस्त जो मेरे साथ हाइकिंग पर मौजूद होते हैं वो अभी मौजूद तो नहीं हैं, लेकिन अब देखना हम कितना हाइक कर सकते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अब यहाँ पर आपका शहर से तो आपका ताल्लुक टूट जाता है और यहाँ पर आपका नेचर से ताल्लुक जुड़ जाता है, यू आर इन कनेक्टिविटी विद नेचर और यहाँ पर आके आपको कुदरत का हसीन इम्तिजाज़ देखने को मिलता है। मारगला की पहाड़ियों के हसीन नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। I can hear the chirping of the birds. It's truly mesmerizing. Nature always attracts human beings towards itself. और हम इंसान ही हैं जो इस नेचर के बिगाड़ में काफ़ी किरदार अदा करते हैं, तो हमें चाहिए कि वी हैव टू प्रोटेक्ट आर नेचर एंड वी हैव टू टेक एन इनिशियल स्टेप। #protect प्रोटेक्ट द नेचर। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ ट्रेल 5 पर और मुझे पता नहीं था कि इधर चश्मा भी है, तो लोग कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर तक आगे चश्मा आएगा। अभी 1.8 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं, अब 2 किलोमीटर तक जाके देखते हैं यहाँ पर चश्मा आता है कि नहीं। तो चश्मे के पास थोड़ी देर बैठेंगे एंड देन विल गो होम बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी क्लोज और जब बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं पास तो पढ़ना भी तो ज़रूरी है, तो आपसे मिलते हैं चश्मे पर। जी जानी इधर लिखा हुआ है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कूड़ा फेंकने की कोई इंतहा होती है, गंदे बच्चे प्रोजेक्ट। हमारे एक हैं पार्लियामेंटेरियन जी वजारत खारजा से मुंसलिक, अभी तो वजीर खारजा हैं, उनका ही बड़ा मशहूर डायलॉग था कि जो आया ना कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो बेसिकली उनके इस वायरल डायलॉग को एक अच्छे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया गया, तो अप्रिशिएट दिस एफर्ट द गंदे बच्चे प्रोजेक्ट, आई अप्रिशिएट दिस एफर्ट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। तो हमारे मुल्क है, हमें इसको साफ़ सुथरा रखना है। हम अगर स्टेप नहीं उठाएंगे तो भावें जितने चीनी मनसूबे लगवा लो, जितने भी चीनियों को बुला के यहाँ पे मनसूबे लगवा लो, कभी भी हमारा मुल्क साफ़ सुथरा नहीं हो सकता जब तक हमारे खुद लोग तहैया नहीं करेंगे कि हमें इसको साफ़ सुथरा रखना है। मैं अब 2 किलोमीटर आ गया हूँ लेकिन मुझे कोई आबशार नहीं मिली। अब 2 किलोमीटर से ऊपर एक बंदे ने बोला कि 5 मिनट और ऊपर चले जाएँ तो आबशार मिल जाएगी। अब आबशार के लिए मैं दिखवारी नहीं कर सकता, अपना वक्त भी कीमती है। तो राजा जी 2 किलोमीटर उतरे आबशार नहीं लपसी। यार इतना अच्छा मौसम है, इधर रेस्ट भी कर रहे हैं, बेंच पे बैठ गए, तो अब आपको एक गाना प्यारा सा सुना ही देते हैं, पुराना गाना भी। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ना, मैं किसी एलियन वेलियन की नकल करने वाला नहीं, नो नॉट माई कप ऑफ टी। तो घर गया था, एक पुरानी एल्बम मिली, सोचा आपको कुछ अपनी पुरानी तस्वीरें दिखाऊं। आप तस्वीरें देखें उसके बाद आपसे बात करते हैं। अब से हर सब्सक्राइब करने वाले को एक पपीदर।
एक बात भी ईद है। आपसे मुलाकात होगी एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन कीप प्रमोटिंग, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।